पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और विपक्षी दलों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, जो अब धीरे धीरे गृह युद्ध में बदलता जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में इसकी आग फैल चुकी है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इमरान खान को लगातार तख्ता पलट का डर सता रहा है और अब वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में पुलिस को भेजने तक की नौबत आ गई है। सरकार के इशारों पर पाकिस्तान की पुलिस ने संसद के अंदर बने लॉज पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि इस लॉज में पाकिस्तानी विपक्ष के सांसद मौजूद थे, जिन्हें लगातार इमरान खान की सरकार से धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं धमकियों के चलते लॉज में सांसदों की सुरक्षा के लिए एक कट्टर संस्था के वॉलंटियर्स को बुलाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के इशारे पर पाकिस्तान की पुलिस ने संसद के लॉज पर धावा बोला और इन वॉलंटियर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही के बाद पूरे पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेशावर में तो प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के जवानों को ही घेर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पुलिस ने इस मामले को लेकर अब वॉलंटियर्स के अलावा चार विपक्षी सांसदों को भी अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार के इस कदम को लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान घबरा गए हैं। पाकिस्तान में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.